साउथ अफ्रीका टूर ऑफ इंडिया 2022 दोस्तों जो पहला दो T20 मैच था उसे साउथ अफ्रीका अपने नाम पे करता और उसे लगा होगा कि आसानी से ये जो सीरीज है ना इंडिया को हराएंगे और अपने नाम पे कर लेंगे, लेकिन उनको पता नहीं था भाई साहब ये टीम इंडिया जो कि पलट वार करना जानती है, वापसी करना जानती है और टीम इंडिया ने वही किया। अगला दो T20 मैच अपने नाम पे करते हैं और सीरीज को बिल्कुल बराबरी पे खड़ा कर देते हैं। मतलब ये जो मैच है फाइनल मैच है, जो टीम यहाँ मुकाबला जीतेगी सीरीज अपने नाम पे कर लेगी। दोस्तों आज के मैच में क्या होगा, क्या इंडिया पिछले दो मैचों से जैसी परफॉर्मेंस कर रहा है वैसे फिर से परफॉर्मेंस दोहरा पाएगा और मैदान करेगा फतेह और सीरीज को कर लेगा 3-2 से अपने नाम, या दोस्तों साउथ अफ्रीका जो जीत की पटरी से उतर चुकी है, लगातार दो मैच हार चुकी है, वो फिर से करेगी पलटवार, लेगी पिछली दोनों हारों का बदला, आज का मैच जीतेगी और सीरीज को कर लेगी 3-2 से अपने नाम। आप यही जानना चाहते हैं ना, पूरी वीडियो देख लें आपको पता चल जाएगा जो आज का मैच होगा कैसे चलेगा, कौन सी टीम जीत सकती है आज का मैच। तो चलो फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी तक फैमिली का हिस्सा नहीं बने तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाए, आप सभी का वेलकम है। सभी लोग करते हैं मिलकर वीडियो को लाइक, जब आप लाइक करते हैं ना यहाँ दिल पे बात लगती है, इसलिए आपका भाई आपके फायदे के लिए टेलीग्राम पर जान लगा देता है। जिन लोगों ने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन किया बहुत ही फायदे में, आप सोच रहे होंगे अच्छा भाई ऐसा क्या है तेरे टेलीग्राम पे, तो भाई साहब मेरी मत मानिए, डिस्क्रिप्शन में जाओ टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, टेलीग्राम ज्वाइन करो। 2-4 मैचों में मेरे साथ काम करना आपको इतना फायदा होगा, आप यही बोलोगे पहले ज्वाइन क्यों नहीं किया, कोई बात नहीं अभी कौन सा देर हो गई, सभी मैचों में अगर आपको फायदे में रहना है ना तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर डाले। बस एक चीज का ध्यान रखे, फेक से सावधान, मेरे नाम पे ना बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल बना लिए गए और आपको ही पता है जब सही जगह आएंगे ना तभी सही सही फायदा भी होगा। सही जगह कैसे आएंगे, इधर उधर और कहीं से मेरा टेलीग्राम ज्वाइन ना करें, बस आपको जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिलेगी वहीं से ज्वाइन करें, क्योंकि सही जगह आएंगे तभी सही सही फायदा भी होगा। दोस्तों अगर हम इस मैदान की बात करते हैं, M. Chinnaswamy स्टेडियम बेंगलुरु में खेला जाएगा, और अगर हम इस मैदान पे T20 की बात करते हैं अभी तक 7 T20 मैच खेले गए हैं जो इंटरनेशनल के, जिसमें से 2 मैच में टारगेट डिफेंड हुआ, 5 मैच में टारगेट चेज हुआ। मतलब यहाँ के मैदान पे ज्यादा मैचों में क्या होता है टारगेट चेज होता है। अपने जो स्कोर यहाँ पे फर्स्ट इनिंग का 175 रन टारगेट चेज की बात करें 171 171 से नीचे स्कोर बनेगा, 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट चेज हो सकता है। टारगेट डिफेंड की बात करें 187 187 प्लस स्कोर बनेगा, 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट डिफेंड हो सकता है। 171 से 187 के बीच में टारगेट होगा, आप समझ जाना भाई साहब ये जो मामला है ना बिल्कुल बराबरी का चेज भी हो सकता है और डिफेंड भी हो सकता है। दोस्तों अगर हम यहाँ के मैदान पे बात करें, जो मैचेज होते हैं ना वो ज्यादातर हाई स्कोरिंग मैच होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ का जो पिच है ना बिल्कुल सपाट है, बैटिंग के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर है। हेल्प की बात करें, जो स्पिनर गेंदबाज है ना उनको यहाँ के मैदान से थोड़ा बहुत हेल्प मिलता है जब बॉल पुराना हो जाता है, लेकिन उससे पहले या बाद की बात करें तो यहाँ पे जो बैटिंग के लिए पिच है ना बहुत ही ज्यादा बेहतर है। बाउंड्री लेंथ की बात करें तो 54 से 65 मीटर की, मतलब छोटी बाउंड्री है, तो आपको चौके छक्के थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलने वाले हैं। मतलब जो आज का मैच है ना वो सच में हाई स्कोरिंग मैच होने वाला है। अगर हम यहाँ पे पावर प्ले स्कोर की बात करें तो 50 से 55 के बीच में बन सकता है, 120 ओवर स्कोर की बात करें तो 175 से 190 के बीच में बनने वाला, मतलब हाई स्कोरिंग मैच होने वाला है। और अगर हम यहाँ के मैदान में दोनों टीमों की परफॉर्मेंस की बात करें तो टीम इंडिया ने 5 मैच खेला, बस 2 मैच जीते, 3 मैच हार गए। मतलब इंडिया चिन्नास्वामी के मैदान पे ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं कर पाता यार, 5 में से 2 जीता 3 हार गए, मतलब इंडिया यहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाता। साउथ अफ्रीका की बात करें 1 मैच खेला यहाँ के मैदान पे, उसे जीता है, मतलब साउथ अफ्रीका ने इस मैदान पे जो शुरुआत करी है बड़ी शुभ करी है। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की बात करते हैं, यहाँ के मैदान पे 1 मैच खेला गया जिसे साउथ अफ्रीका ने अपने नाम पे किया। मतलब इस मैदान पे जो साउथ अफ्रीका होता है वो इंडिया के सामने भारी पड़ता है, तो आज के मैदान में क्या साउथ अफ्रीका फिर से भारी पड़ेगा, अगर यार भारी पड़ा तो हमारी सीरीज चली जाएगी, इंडिया सीरीज हार जाएगा। लेकिन आपको पता जो रिकॉर्ड्स होते हैं आंकड़े होते हैं टूट जाते हैं, नए रिकॉर्ड्स बनते हैं, तो करंट परफॉर्मेंस के हिसाब से आज के मैच में कौन सी टीम बढ़िया परफॉर्मेंस करने वाली है और आज का मैच जीतने वाली है, चलो ये जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर टीम इंडिया की। अगर हम इनके खेमे में चेंजेस की बात करते हैं, मे बी नॉट कोई भी चेंज ना होगा, बिल्कुल सेम प्लेइंग 11 के साथ टीम इंडिया इस मैच पे उतरने वाला। अगर हम इनकी बल्लेबाजी की बात करें, ऋतुराज गायकवाड़ 1 मैच में बढ़िया पारी आई, बाकी सभी मैचों में फ्लॉप। ईशान किशन की बात करें, जबरदस्त बल्लेबाजी कर रही। श्रेयस अय्यर की बात करें, शुरुआत के 2 मैचों में बढ़िया पारी, उसके बाद सभी मैचों में फ्लॉप। ऋषभ पंत कप्तान की बात करें, इन भाई साहब को पता नहीं क्या हो गया, सभी मैचों में फ्लॉप हो रहे हैं। हार्दिक पांड्या दिनेश कार्तिक की बात करें तो अच्छा फिनिश करते हैं, मतलब जिस काम के लिए टीम इंडिया में बुलाए गए वो काम बखूबी निभा रहे हैं। तो इनकी जो कहानी है बल्लेबाजी की टीम इंडिया की आधी अधूरी कहानी, क्योंकि कुछ बल्लेबाज बढ़िया कर रहे हैं कुछ बल्लेबाज बढ़िया नहीं कर पा रहे। गेंदबाजों की बात करें, पहले 2 मैच छोड़ दिया जाए तो जो गेंदबाजी रही थी उसमें भुवनेश्वर कुमार और हर्षल पटेल इन दोनों ने बढ़िया गेंदबाजी करी थी, बाकी के जो गेंदबाजों थे ना उनकी पिटी थी, चाहे युजवेंद्र चहल की बात कर लो या फिर आवेश खान की बात कर लो, अक्षर पटेल की बात कर लो। लेकिन उसके बाद जिस तरह से टीम इंडिया के गेंदबाजों ने गेंदबाजी करी लाजवाब, पिछले मैच में आवेश खान ने भी विकेट नहीं लिया था अभी तक, तो 4 विकेट चटका के सारा हिसाब किताब बराबर कर लिया।
हर्षल पटेल जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं, चहल पहल फिर से अपने रंग में आ गए हैं और द ग्रांड मास्टर चहल पहल मचा रहा है। तो इंडिया की जो गेंदबाजी है ना अभी काफी ज्यादा बेहतर नजर आ रही है। दोस्तों टीम साउथ अफ्रीका की बात करें, साउथ अफ्रीका के खेमे में चेंजेस की बात करें तो चेंज हो सकता है, विन पार्नेल और कगिसो रबाडा की वापसी हो सकती है अगर ये दोनों प्लेयर पूरी तरह से फिट रहते हैं। अगर हम इनकी बल्लेबाजी की बात करें, शुरुआत के दो मैचों में जो शुरुआत थी उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन जो फिनिश किया था बहुत अच्छे किया था। चाहे राशिफ अंडर डोसन की बात करें, हेली क्लासन की बात कर ले, डेविड मिलर की बात कर ले, लाजवाब जबरदस्त बल्लेबाजी करी। लेकिन दो मैच के बाद शुरुआत तो इनकी पहले भी खराब हो रही थी, लेकिन अगले भी दो मैच में इनकी शुरुआत खराब हुई। तेम्बा ममुआ, क्विंटन डिकॉक या रिजा हैंसिक अच्छी शुरुआत नहीं दिला पाए, लेकिन जो मिडिल ऑर्डर पिछले दो मैचों में बढ़िया बल्लेबाजी कर रहा था आखिरी के दो मैचों में वो भी बढ़िया बल्लेबाजी नहीं कर पाया। टाइम फिस्ट हो गए, चाहे राशिफ अंडर डोसन की बात कर ले, हेली क्लासन या डेविड मिलर की बात कर ले, तो जो इनकी बल्लेबाजी है ना उसकी दुर्दशा खराब नजर आ रही किसकी, साउथ अफ्रीका की। अगर हम इनकी गेंदबाजी की बात करें, जो भी गेंदबाज आ रहा बढ़िया गेंदबाजी कर रहा, चाहे रबाडा की बात कर लो, नोकिया की बात कर लो, पिछले मैच में लूंगे इंगडी माको यानसन को मौका मिला, इन्होंने भी हिला के रख दिया, बढ़िया गेंदबाजी करी। केशव महाराज तो बढ़िया गेंदबाजी करें, हालांकि थोड़ा सा तबले शमसी का ऊपर नीचे दिख रहा, तो इनकी जो गेंदबाजी है ठीक ठाक है, लेकिन बल्लेबाजों की जो दुर्दशा है वो काफी ज्यादा खराब नजर आ रही है। अगर हम इन दोनों टीमों के लास्ट सिक्स मैच की परफॉर्मेंस की बात करें, तो इंडिया ने लास्ट के सिक्स मैच में चार मैच जीता, दो मैच हारे। इस दौरान जो इनका बल्लेबाजी एवरेज है 173 रनों का गेंदबाजी एवरेज की बात करें तो 8.23। वहीं दोस्तों अगर हम यहाँ पे टीम साउथ अफ्रीका की बात करें, इन्होंने भी लास्ट के सिक्स मैच में चार मैच जीता, बस दो मैच हारे। इस दौरान जो इनका बल्लेबाजी एवरेज है 172 रनों का गेंदबाजी एवरेज की बात करें 8.21। तो अगर हम यहाँ पे दोनों टीमों का कंपेरिजन करें तो भाई साहब चाहे रिजल्ट की बात कर लो, बल्लेबाजी एवरेज की बात कर लो, गेंदबाजी एवरेज की बात कर लो, दोनों टीमें बिल्कुल एक जैसी, बिल्कुल बराबरी पे नजर आ रही है। मतलब ये जो मामला है ना बराबरी का ही है। चलो हम यहाँ पे एक चीज और देखते हैं, दोनों टीमें एक दूसरे के सामने चेज और डिफेंड करने में कैसी हैं। इंडिया को पांच मैच में चेज करने का मौका मिला, अफ्रीका के सामने तीन मैच में कर लिया, दो मैच में नहीं कर पाए, मतलब एक मैच में कर पाते एक मैच में नहीं कर पाते। साउथ अफ्रीका को 14 मैच में चेज करने का मौका मिला, इंडिया के सामने 6 मैच में कर लिया, 8 मैच में नहीं कर पाए। तो साउथ अफ्रीका भी बहुत अच्छे से चेज नहीं कर पाता टीम इंडिया के सामने। इंडिया ने जो हाईएस्ट स्कोर चेज किया साउथ अफ्रीका के सामने 172 रन, और साउथ अफ्रीका ने जो हाईएस्ट स्कोर चेज किया टीम इंडिया के सामने 211 रन। वहीं दोस्तों डिफेंड की बात करें, इंडिया को 14 मैच में डिफेंड करने का मौका मिला, 8 मैच में कर लिया, 6 मैच में नहीं कर पाए। कुछ हद तक ठीक ठाक डिफेंड करता है इंडिया साउथ अफ्रीका के सामने, और साउथ अफ्रीका को 5 मैच में डिफेंड करने का मौका मिला, 2 मैच में कर लिया, 3 मैच में नहीं कर पाए। तो साउथ अफ्रीका उतने अच्छे से डिफेंड भी नहीं कर पाता टीम इंडिया के सामने। इंडिया ने जो लोवेस्ट स्कोर डिफेंड किया साउथ अफ्रीका के सामने 152 रन, और साउथ अफ्रीका ने जो लोवेस्ट स्कोर डिफेंड किया टीम इंडिया के सामने 130 रन। अगर हम यहाँ चेज और डिफेंड की बात करें तो कहीं ना कहीं दोनों टीमें मतलब एक जैसी नजर आ रही है, एक मैच में कर पाते एक मैच में नहीं कर पाते, क्या चेज की बात कर लो या फिर डिफेंड की बात कर लो। और अगर हम इन दोनों टीमों की हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें तो ओवरऑल 21 मैच इनके बीच में अभी तक खेले जा चुके हैं, जिसमें से इंडिया ने 11 मैच जीता, साउथ अफ्रीका ने 8 मैच जीता, 2 मैच नो रिजल्ट था। मतलब कहीं ना कहीं जो इंडिया की टीम है थोड़ा सा आगे नजर आ रही साउथ अफ्रीका से। इंडिया में जब साउथ अफ्रीका आया है तो 10 T20 मैच खेला गया है, जिसमें से इंडिया ने 3 मैच जीता और साउथ अफ्रीका ने 5 मैच जीता, 2 मैच नो रिजल्ट है। मतलब साउथ अफ्रीका आता है इंडिया के सामने, इंडिया के घर में बढ़िया परफॉर्मेंस करता है, ये बड़ी बात है साउथ अफ्रीका के लिए। जून के महीने में इनके बीच में 5 मैच खेलेगा, जिसमें से 2 मैच इंडिया ने जीता, 3 मैच साउथ अफ्रीका ने जीता। बिल्कुल थोड़ा सा जून में साउथ अफ्रीका आगे नजर आ रहा है, लेकिन आगे तो आगे होता है। संडे के दिन इनके बीच में 5 मैच खेलेगा, जिसमें से 1 मैच इंडिया ने जीता, 3 मैच साउथ अफ्रीका ने जीता, 1 मैच नो रिजल्ट है। मतलब संडे के दिन सुपर संडे बनाता साउथ अफ्रीका इंडिया टीम के सामने। लास्ट 5 मुकाबले की बात करें तो इंडिया ने 2 और साउथ अफ्रीका ने 3 मैच जीता। तो अगर हम यहाँ पे लास्ट 5 मुकाबले की बात करें ना, तो साउथ अफ्रीका बिल्कुल थोड़ा सा टीम इंडिया से आगे नजर आ रहा है, लेकिन आपको पता है ना इंडिया अब जीत के पटरी पे आ चुका है। तो दोस्तों आज के मैच में क्या होगा, चलो फाइनली अब हम ना यही जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, क्या सोच रहे हो यार, जल्दी से ना भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर डालो। तो भाई लोग सारी एनालिसिस करने के बाद क्रिकेट के नियमानुसार अगर हम इस मैच की बात करिए, जो मैच है ना वो 60 और 40 का, 60 टीम इंडिया, 40 टीम साउथ अफ्रीका। दोस्तों मुझे भी ऐसा लगता है जो आज का ये मैच होगा ना टीम इंडिया अपने नाम पे कर सकता है। अकॉर्डिंग टू मी दिस मैच विल बी बिन टीम इंडिया। लेकिन आपको पता है दोस्तों क्रिकेट मैच है, कुछ भी हो सकता है, किसी प्लेयर को इंजरी होगी, किसी की तबीयत खराब होगी, टीमें बदल जाती है। जब टीम बदल सकती है तो मैच विनर भी बदल सकता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो मैच स्टार्ट होने के 2-3 घंटे पहले जो फाइनल प्रेडिक्शन होती है मैं अपनी टेलीग्राम पर अपडेट कर देता हूं। तो इसलिए आपका मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ही जरूरी है। जिन लोगों ने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन किया ना भाई साहब बहुत ही फायदे में, आप सोच रहे अच्छा भाई ऐसा कहते हैं टेलीग्राम पर, तो मेरी मत मानिए, डिस्क्रिप्शन में जाओ, टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, टेलीग्राम ज्वाइन करो। तो 4 मैचों में मेरे साथ काम करना, आपको इतना फायदा होगा, आप बोलोगे पहले ज्वाइन क्यों नहीं किया। तो कोई बात नहीं भाई साहब, अभी कौन सा देर होगी, सभी मैचों में अगर आपको फायदे में रहना है तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर डालें। बस एक चीज का ध्यान रखें, फेक से सावधान। मेरे नाम पे ना बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल बना लिए गए, और आपको भी पता है जब सही जगह आएंगे तभी सही सही फायदा भी होगा।
होगा तो सही जगह कैसे आएंगे, इधर उधर और कहीं से टेलीग्राम ज्वाइन ना करें, बस आपको डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम की लिंक मिलेगी वहीं से मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करें, क्योंकि सही जगह आएंगे तभी सही सही फायदा भी होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दो सब्सक्राइब, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैच की प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।